Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, The Necklace, by Guy de Maupassant, who is very famous for his short stories. This story has two main characters. इस story में दो main characters हैं, एक है Matilda, एक है Madame Frost. Matilda, जो कि एक गरीब घर में उसका जन्म हुआ था और उसको हमेशा यही लगता था कि उसका जन्म बहुत ही गलत घर में हो गया, क्योंकि उसको एक अमीर घर में पैदा होना चाहिए था जहाँ पे वो आराम से अपना जीवन गुजार सकती थी. बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी गुड लुकिंग. और उसके शादी एक गरीब क्लर्क से हो रही, शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, पुअर क्लर्क. उसकी एस्पिरेशन बहुत, उसकी इच्छाएं बहुत थी, शी वॉज ओवर एम्बिशियस. वो बहुत अति महत्वाकांक्षी थी और उसको हमेशा चाहिए था कि उसे घर का काम ना करना पड़े, उसके पास खाने के चांदी के बर्तन हो और जिसमें वो अच्छे अच्छे डिशेस खाए. और वो हमेशा इन्हीं बातों के लिए सोचा करती थी. एंड शी वॉज टोटली वर्रेड अबाउट दिस थिंग एंड शी वॉज नॉट कंटेंट, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मैरिड लाइफ. वो अपनी शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थी और हमेशा वो इसी बात से परेशान रहती थी. वन इवनिंग, एक शाम उसके हस्बैंड बहुत खुशी से घर आए, उनको और अपनी वाइफ को एक इन्विटेशन दिया. ही गेव एन इन्विटेशन टू हिज वाइफ और उस इन्विटेशन में देवर इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया गया था एक बॉल पार्टी में जो कि एक मिनिस्टर के घर पे होने वाली थी. और हस्बैंड बहुत खुश था, उसको लगा था इस बात से उसकी वाइफ विल गेट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाएगी. लेकिन उसके एडिंग ऑन टू हिज सरप्राइज, उसको और आश्चर्यचकित करते उसकी वाइफ ने कार उठाया और एक तरफ फेंक दिया. उसने कहा मैं उस शादी में कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं पहनने के लिए, मैं क्या पहन के जाऊंगी. और ये सुन के उसके हस्बैंड को बहुत ही दुख हुआ और उसने कहा कोई बात नहीं, हम लोग मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा और नए कपड़े ऐसे ले लेंगे जो तुम कहीं और भी पहन सकती हो, तुम कहीं और भी जाना चाहो तो ले लेंगे और बहुत कॉस्टली भी नहीं होंगे. ही वॉन्टेड टू कंसोल हिज वाइफ, ही वॉन्टेड टू मेक हिज वाइफ सेटिस्फाइड. और तो उसने उसको ये भी कहा कि जो तुम ड्रेस पहन के मेरे साथ थिएटर में जाती हो, मूवी देखती हो, वो ड्रेस भी अच्छी होगी, तुम वो पहन के जा सकती हो. लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसी ड्रेस पहन के वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ पर सारी औरतें खूबसूरत सी ड्रेस पहने होंगी, बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगी, और मैं इस तरह फटे पुराने कपड़े पहन के वहाँ कैसे जाऊँगी. जब उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि तुम्हें एक ड्रेस कितने की आएगी, तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं मुझे मालूम. एंड वो ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, वो चाहती थी वो कुछ ऐसा बोले कि उसके हस्बैंड उसको मना भी ना कर पाए. और उसको ये भी मालूम था उसके हस्बैंड कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि 400 फ्रैंक में ड्रेस आ जाएगी. अब हम लोग 400 फ्रैंक को अगर जोड़ें तो 1 फ्रैंक की कीमत लगभग 78 रुपये आती है, ठीक है. तो इस तरह से उसने अपना बताया. शी टोल्ड दिस कॉस्ट टू हर हस्बैंड, ही हु टर्न्ड लिटिल पेल, फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज. अब हस्बैंड बड़ा उदास हो गया क्योंकि उसने पैसा बचा कर रखा था कि वो अपने एक एक गन खरीदेगा और कभी शिकार पे जाएगा तो वहाँ लार्क पक्षी को मार सकता है. संडे संडे वो शिकार पे जाते थे, लेकिन अब उसके लिए अपनी वाइफ को खुश करना ही सबसे बड़ी चीज़ रहेगा. तो ही वॉन्टेड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, तो उसने कहा ही अग्री टू पे 400 फ्रैंक. तो उसने अग्री कर लिया कि मैं 400 फ्रैंक दे दूंगा और तुम उससे जाके अपनी ड्रेस खरीद लेना. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉइजल सीम सैड. अब मैडम लॉइजल मिस्टर लॉइजल जो क्लर्क थे, उनकी वाइफ थी मैडम लॉइजल. बॉल पार्टी का दिन आ गया, समारोह का दिन आ गया, लेकिन मैडम अब भी खुश नहीं थी. उनके पास नई ड्रेस भी आ गई थी, देयर ऑल्सो शी वाज नॉट हैप्पी. और उसके हस्बैंड ने उसकी तरफ देखा, उसने पूछा अब क्या परेशानी है भाई, नाउ व्हाई आरंट यू हैप्पी, और यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. उसने कहा तो पिछले 2-3 दिन से बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेथ नॉट टू हैव ज्वेल्स, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद. उसने कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल्स नहीं है, कोई जवाहरात नहीं है पहनने के, मैं क्या पहनूंगी. एक सुंदर ड्रेस से ही तो सब कुछ काम नहीं होता, इसके पहनने के इसके साथ ज्वेल्स भी चाहिए. उसने हस्बैंड ने कहा यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी
चिक, उसने कहा कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, फूलों का श्रृंगार कर सकती हो। तो उसने वो उसकी वाइफ उस बात से कन्विंस नहीं, उसने कहा कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम क्या सोचते हो कि मैं इतनी और जहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी में जहाँ पे लोग बहुत सुंदर ड्रेस सक अच्छे खासे ज्वेल्स पहन के आएंगे, वहाँ पे मैं फूलों की सजावट करके इतना तुच्छ तरीके से, इतनी गंदी तरीके से वहाँ पे जाऊँगी। देन हर हस्बैंड क्राइड हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टी एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो उसका हस्बैंड ने उसको सजेशन दिया कि हम लोग कितने बेवकूफ़ थे, तुम अपनी फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाओ और उनसे अच्छे से ज्वेल्स लेकर आओ। मैडम फ्रॉस्टियर एक बहुत ही जो मेन दो कैरेक्टर है स्टोरी के, जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, मैडम फ्रॉस्टियर और लॉयजन मैटिल्डा लॉयजन, उनके हस्बैंड का नाम लॉयजन था, मैटिल्डा लॉयजन और मैडम फ्रॉस्टियर जो कि बहुत पैसे वाली थी, उनके पास बहुत सारे ज्वेल्स थे। तो इसने कहा कि अरे मैं कितनी बेवकूफ़ रही, मैंने अभी तक अब तक ऐसा क्यों नहीं सोचा, ऐसे मैटिल्डा ने सोचा। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Frostier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर जा पहुंची मैटिल्डा। मैटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से अपनी सारी कहानी बताई, उसने बताया कि उसका जीवन कितना दुखद है। उसकी फ्रेंड फ्रॉस्टियर ने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे ज्वेल्स दूंगी। उसने अपनी अलमारी खोली और ज्वेल्स का डिब्बा ला कर मैटिल्डा को दे दिया। मैटिल्डा बहुत देर तक देखती रही, ब्रेसलेट देखे उसने, गले के हार देखे उसने, गोल्ड वेनिस का बना गोल्ड क्रॉस देखा और इन सब के बीच वो सारे बहुत ही शानदार कारीगरी थी। उनको देखने के बाद उसको समझ में नहीं आया क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, फिर भी उसने अपनी सहेली से पूछा कि क्या उसके पास कुछ और है। शी फेल अपॉन, तो उसकी फ्रेंड ने एक ब्लैक सैटन का कपड़ा से ढका डब्बा निकाला, रेशमी डब्बे, उसमें एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस रखा था, उसने उसको दिया। उसने कहा ये देखो, उसने वो देखा, उसकी खुशी से चीख निकल गई क्योंकि शायद यही वो नेकलेस था जो उसको चाहिए था। उसने अपनी फ्रेंड से पूछा दैट वेद इफ़ शी कुड लेंड हर दिस नेकलेस, क्या तुम मुझे नेकलेस दे सकती हो। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, इस तरह से वो नेकलेस उसने उसको दिया और वो नेकलेस लेके घर आ गई खुशी खुशी। अगले दिन बॉल था, पार्टी थी, समारोह था, उसने वो नेकलेस पहना और अपनी ड्रेस पहनी, वो बहुत ही आकर्षक ड्रेस थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, वो बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ में शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस एलिगेंट मैजेस्टिक और सब लोग उसको वहाँ पे देख रहे थे, उसी को कोई उससे मिलना चाहता था, कोई उससे बात करना चाहता था, ऐसा ही वो चाहती थी, वो यही चाहती थी, सब लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, सब लोग उसी पे ध्यान दें, किसी और पे ध्यान ना दें। पूरी रात वो लोग वहाँ पे रहे, सुबह 4 बज गए और जब वो डांस कर रही थी तो उसका पति लॉयसल बगल के छोटे से कमरे में लेटा था जहाँ पर 3 युवक और लेटे थे, 3 men वर स्लीपिंग देयर, ऐसे युवक जो कि आराम जिनकी पत्नियां वहाँ पे डांस कर रही थी। सुबह के 4 बज गए थे, दे केम आउट, वो वहाँ से निकल के आते हैं बाहर और चलने के लिए अपने घर जाने के लिए। वो जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर मौसम ठंडा था, तो लॉयजल अपनी वाइफ को अपनी पत्नी को एक रैप उड़ा देता, रैप यू कैन टेक इट एज अ शॉल, वो शॉल था, और मैटिल्डा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी शानदार ड्रेस पे वो फटा पुराना शॉल उसको उड़ाया जाए, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और उसके हस्बैंड कहता है कि मैं एक कैब बुलाता हूँ, एक टैक्सी बुलाता हूँ जिससे हम लोग घर चलते हैं। वो टैक्सी का वेट नहीं करती है, वो चलती चली जाती है। थोड़ी देर में एक ऐसी टैक्सी आती है जो शायद पेरिस में रात में ही चला करती थी और वो उस टैक्सी में बैठ के वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद वो अपना रैप हटाती है, अपना शॉल हटाती है मैटिल्डा। अब उसको लगता है कि वो आखिरी बार अपने आप को ठीक से देख रही, शी वॉन्टेड टू लुक एट हर द लास्ट टाइम। वो जैसे ही शीशे में अपने आप को निहारती है, शी वॉज सरप्राइज, उसको एक जोर का झटका लगता है कि वो नेकलेस तो उसके गले में नहीं होता। वो जोर से चीख के अपने पति को बुलाती है, कहती है कि नेकलेस नहीं है। पति कहता है इधर उधर देख लो कहीं होगा। वो लोग सब तरफ ढूंढते हैं, वो कहता है तुम्हें क्या याद है जब तुम मिनिस्टर की पार्टी के से निकली थी तो तुम्हारे गले में था। तो कहती है मुझे याद नहीं है। तो वो कहता हो सकता वो उस कैब में छूट गया हो जिस कैब से हम लोग आए थे। अब वो जाता है सारा वापस सारे रास्ते ढूंढता हुआ, लेकिन सुबह 7 बजे तक जब वापस आता है तो निराश होता है, कहीं नहीं मिलता है।
वो लोग पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सब जगह लोगों को बताते हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगती है। दे वर नॉट एबल टू गेट द नेकलेस बैक, उनको नेकलेस वापस नहीं मिलता है। अब ये सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड को कैसे बताऊंगी, नेकलेस कैसे वापस करूंगी। तो इसका फ्रेंड, इनका हस्बैंड कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को कह देना कि उसका क्लैप यानी उसका कुंडा अभी टूट गया है, उसे कुछ दिन बाद वापस ठीक करा के दे देंगे। शी डिक्टेटेड वॉट एवर हर हस्बैंड टोल्ड हर, और जो भी उसके हस्बैंड ने उसको बताया था वो सारा नेकलेस अपनी फ्रेंड को बता देती है। और नेकलेस, इसी बीच में ये लोग अलग अलग दुकानों पे जाते हैं नेकलेस ढूंढने, और इत्तफाक से या इनकी खुशकिस्मती से एक इनको वैसा ही नेकलेस मिल जाता है। ये उसकी कीमत पूछते हैं तो पता चलता है 40,000 फ्रैंक। 40,000 फ्रैंक, जैसे मैंने आपको बताया एक फ्रैंक की कीमत 78 रुपये से ज़्यादा होती है, तो उस की कीमत लगभग 30 लाख रुपये होती है। 30 लाख रुपए होती है और इनके पास केवल 36,000 फ्रैंक थे और लगभग 28 लाख रुपए थे। कोई रास्ता ना देख के किसी भी तरीके से वो नेकलेस खरीद लेते हैं और नेकलेस खरीदने वाला माटिल्डा का जी और अपनी फ्रेंड को वापस कर देते हैं। जब फ्रेंड को देने जाते हैं तो शी वॉज वॉरिड, माटिल्डा इस बात से परेशान थी कि उसकी फ्रेंड को डब्बा खोल के देख ना ले और उसे ये ना लगे कि ये नेकलेस दूसरा है। लेकिन उसके फ्रेंड नेकलेस पर ध्यान ही नहीं देती, वो डब्बा ऐसे ही रख देती है। इसको बड़ा सुकून मिलता है, घर वापस आती है, लेकिन अब असली ज़िंदगी इनकी शुरू होती है। इनका जीवन बिल्कुल बदल गया होता। माटिल्डा पहले जैसी नहीं रह गई थी, और उसको घर का सारा काम करना पड़ता था, पानी भर के लाना पड़ता था, सब्ज़ी खरीदने पड़ती थी, उस सब्ज़ी के लिए मोल भाव करना पड़ता ताकि एक एक पैसा बचा सके। घर का सारा नौकर हटा दिए थे, सारा काम वो करती थी, बर्तन मांजती थी, और वो कॉमन कपड़े पहनती थी जो कि एक सामान्य औरतें पहनती हैं। और बड़ा भूखा और बहुत ही कठोर जीवन हो गया था माटिल्डा का। और इसके हस्बैंड भी अब बहुत मेहनत करता था, सारे दिन तो काम करता था, रात में कॉपी करने का, नकल करके लिखने का काम वो स्टार्ट कर चुका था। इस तरह से अब ये एक उस घर से निकल के दूसरे किराए के घर में आ चुके थे। बहुत मुश्किल से इनका जीवन कट रहा था। इस तरह से यातना सहते 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 10 साल गुजर गए। 10 साल तक माटिल्डा बिल्कुल बदल चुकी थी। अब ना वो उतनी खूबसूरत रही थी, ना ही उसका जीवन वैसा रहा जैसे कि वो कभी रहती थी। अब वो कठोर सामान्य युवती रह बन गई थी, जिसके रूखे बाल थे, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, और उसका पति भी बहुत थक गया था। लेकिन खुशकिस्मती से इन्होंने सारा कर्ज जो लिया था वो उतार दिया था। उसको उतारते उतारते 10 साल लग गए और 10 साल में इनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। एक दिन 10 साल बाद जब माटिल्डा अपने छज्जे पे बैठी थी, अपनी बैल्कनी में बैठी थी, तो उसको सामने एक परिचित सा चेहरा दिखने पड़ा, कोई ऐसा चेहरा जो कि जिसको जानती थी। इसने गौर से देखा तो मिसेस फ्रॉस्टियर थी। मिसेस फ्रॉस्टियर 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी, वो वैसे ही थी, सुंदर थी और बहुत अच्छी लग रही थी। माटिल्डा के मन में हुआ कि लॉ मिसेस फ्रॉस्टियर से बात करी जाए कि ना करी जाए, फिर भी हिम्मत करके बाहर आई और उसने मिसेस फ्रॉस्टियर को बुलाया। मिसेस फ्रॉस्टियर को जब इसने बुलाया उनके नाम से, जीन करके बुलाया, तो मिसेस फ्रॉस्टियर को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये नाम से तो बहुत ही परिचित लोग और अपने लोग ही बुलाते थे। उसने माटिल्डा को देख के कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि माटिल्डा बहुत बदल चुकी थी। शी वॉज टोटली चेंज Within 10 years, because of the hard life she led। और अब माटिल्डा ने उसको बताया कि मैं माटिल्डा लॉयजन हूँ, जिसने, तो वो कहती है, अरे तुम तो बहुत बदल गए, तो हाँ तो तुम तो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तुम तो पूरी तरह से बदल गए। तो माटिल्डा कहती है, मेरे बदलाव का कारण तुम हो। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, लाइक शी वाज टोटली सरप्राइज एंड शॉक कि मैं कैसे तुम्हारे इस बदलाव का कारण हो सकती हूँ। माटिल्डा उसको बताती है कि कैसे उसने उसको हार लिया था और उसको वापस, वो हार जो चोरी हो गया या कहीं गिर गया, लापता हो गया, और शी वॉज नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक टू हर। एंड वो वापस उसको एक दूसरा वैसा ही हार उसने खरीदा था और उसको दिया था बदले में, जिस हार की कीमत इतनी ज़्यादा थी, जिसको चुकाते चुकाते उन लोग का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। ये सुन के वो आश्चर्यचकित रह जाती है। उसकी फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर वो कहती है कि अरे माटिल्डा, तुमने उस नकली हार की बदली मुझे असली हार दे दिया, वो हार तो नकली था,
और तुम्हारी ये हालत उस हार के पीछे हो गई। अब माटिल्डा क्या जवाब देती, शी वॉज अनेबल टू आंसर दैट। और उसने कहा उसकी हार की कीमत तो 500 फ्रैंक भी नहीं थी, और तुमने उसको जो वो मीन्स 40,000 का भी नहीं था और तुमने 30,00,000 का खरीद के दे दिया, इतनी बड़ी कीमत चुकाई। अब माटिल्डा के लिए ये एक सारा वाक्या, ये पूरा इंसिडेंट एक लेसन भी हो सकता था, और ये एक थोड़ा बहुत लेसन फॉर अस एज वेल किड्स, ये हम लोग के लिए भी एक लेसन है बच्चों, जैसे कि वी शुड नेवर बी ओवर एम्बिशियस, वॉट एवर वी हैव वी शुड बी कंटेंटेड विद वॉट वी हैव, एंड वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड वॉट एवर ही हैज गिवन अस। हम लोग को भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों को उसने जो भी दिया, सब लोगों के पास सब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग को अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग को सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिलता। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी, थैंक यू।